आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आप किस प्रकार से फ्री गैस प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं लॉकडाउन में करोड़ों लोगों का सहारा ऐसी ही स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो दोस्तों, जानिए कैसे मिलेगा, किन्हें मिलेगा और कब मिलेगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ। दोस्तों, लॉकडाउन में करोड़ों लोगों का सहारा बन चुकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में इस वीडियो में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो उज्ज्वला योजना क्या है। तो दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है, यानी कि लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशान जो है मजदूर लोगों को हो रहा है। ऐसे में करोड़ों परिवारों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक वरदान साबित हो रही योजना है। केंद्र सरकार ने गरीब वर्ग के लोगों को थोड़ी राहत देने के लिए 5 मई 2020 तक 39 करोड़ गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता राशि बांट दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी ट्विटर के ऊपर देते हुए बात कहा है कि राहत पैकेज के अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम में केंद्र सरकार जो है मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर बांट रही है। सरकार द्वारा चलाई जा रही इस स्कीम के तहत 4.5 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जा रहे हैं। दोस्तों, सरकार की इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो ये स्कीम है इसमें पहले से रजिस्टर्ड है। दोस्तों, आपको भी अभी तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है या नहीं मिला, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उज्ज्वला योजना के लाभ के लिए मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इस योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए ग्राहक का मोबाइल नंबर रजिस्टर होना जरूरी है, तभी वो इस स्कीम का लाभ ले सकेगा। इस स्कीम के तहत सबसे पहले लाभार्थियों के खाते में सिलेंडर की राशि जो है जमा की जाएगी, इसके बाद गैस बुक करवाया जाएगा और फिर नगद भुगतान कर सिलेंडर ले सकेगा। यानी कि पहले जो है इसकी राशि सभी सिलेंडर वालों के अकाउंट में पैसे आएंगे, वहां से पैसे निकला के आप ऑनलाइन अपना जो पैसे देके सिलेंडर खरीद सकते हैं, यानी कि आपका सिलेंडर फ्री आएगा। जानिए कितने सिलेंडर मिलेंगे। दोस्तों, इस योजना के तहत 14.2 kg वाले 3 LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। लाभार्थी को 1 महीने में केवल 1 सिलेंडर ही फ्री दिया जाएगा और जिन लोगों के पास 5 किलो वाले सिलेंडर है तो उन्हें 3 महीने में 8 सिलेंडर दिए जाएंगे, यानी कि उन्हें प्रति माह अधिकतम 3 सिलेंडर ही फ्री मिल पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, लॉकडाउन के अंतर्गत क्या क्या छूट दी जा रही है। दोस्तों, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि 4 मई से लॉकडाउन में हल्की छूट के बाद मई में मुफ्त सिलेंडर मिलने वाले उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। और लॉकडाउन 4 में पेट्रोलियम मंत्री ने जारी की आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में करीब 4,50,00,000 लाभार्थी सिलेंडर जो है बुक करवा चुके हैं। लाभार्थियों के खाते में पैसे कैसे ट्रांसफर होंगे? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस लेने वाले सभी लाभार्थियों तक पहला मुफ्त एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 अप्रैल को बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। इसका वीडियो मैंने आपको चैनल पे बना के उपलब्ध करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए जल्द से जल्द चैनल का विजिट करें और सरकारी योजनाओं के नाम से प्लेलिस्ट में जाके आप तमाम गवर्नमेंट की योजनाओं के वीडियो आप देख सकते हैं। और जानकारी पसंद आ रही है तो दोस्तों, जल्द से जल्द वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्राइब दिखा रहा है उसको किसी भी तरीके से दबा के, मेरे को नहीं पता लेकिन वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और दोस्तों, उसको सब्सक्राइब करने के साथ आने वाले गवर्नमेंट की तमाम योजनाओं की जानकारी सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उसके बगल में जो घंटे का निशान दिखाई दे रहा है उसको जरूर चेक कर ले आपने उसको ऑन किया है या नहीं किया है, क्योंकि अगर आप उसको ऑन नहीं करेंगे तो आप वीडियो की नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों, उसको जरूर ऑन कर लें और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें।